सो गाइस, आप लोगों को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से चांदरात की बहुत 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 ज़्यादा मुबारकबाद। तो गाइस, यहीं से अपना चांदरात ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो चलिए जी आगे। हे फैम, व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोगों को? फिर आप लोग सब ठीक ठाक हो गए? दिस इज मी कनाठी लड़की, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, सीन कुछ यूँ है, आज है पाकिस्तान में चांदरात और हम चांदरात को स्पेशल बनाने वाले हैं और बहुत सारी ईद की प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो चांदरात को स्पेशल बनाने के लिए हमें चाहिए होगी एक अदद मेहंदी, क्योंकि हमने मेहंदी भी लगानी है और जब तक हाथों में मेहंदी ना लगे तो भाई ईद वाली फीलिंग्स नहीं आती। तो अभी मैं जा रही हूँ भाई मेहंदी लेने के लिए, तो जहाँ पर भी जिस भी एरिया में अच्छी मेहंदी मिलती होगी तो अभी हम जाते हैं, जाकर अच्छी सी मेहंदी लेकर आते हैं और आकर मम्मा से लगवाते हैं, क्योंकि हमारी जो ब्यूटिशियन है, हमारी जो मेहंदी आर्टिस्ट है, वो हमारी खुद की मम्मा है। तो भाई मैं उनको डिज़ाइन बताऊँगी, मम्मा हमारे मेहंदी लगाने वाली हैं, तो मैं आप लोगों को सब पूरी फिल्म दिखाने वाली हूँ भाई चांदरात पर हमारे साथ क्या क्या सीन्स होने वाले हैं और मैं स्टूडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, आगे क्या क्या होने वाले हैं, क्या क्या मस्ती होने वाली है, मैं आपको सब इस ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ। तो गाइस चले मिलते हैं आप लोगों को आगे। फाइनली आज हो चुकी है चांदरात और हम लोग लेने आए हैं मेहंदी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि चांदरात अचानक सही है। पाकिस्तानी अवाम की तरह इन लोगों के हर साल पाकिस्तान में ईद अचानक होती है। तो हम यहाँ आए हैं मेहंदी लेने के लिए। कौन सा पॉलर है बताते हैं आपको? लाविस, हाँ लाविस ब्यूटी सैलून में हम आए हैं। तो आइए दिखाते हैं और परचेज करते हैं इससे मेहंदी, क्योंकि हमने हाथों में लगा लिया। पापा जो है ना यहाँ पेमेंट करते हुए मेहंदी की हम लोगों ने ले लिए, फाइनली डन हो गई है। सबसे ज़्यादा चांदरात पे जो हमें मुश्किल होती है वो होती है मेहंदी लगाने की। तो भाई फाइनली हमने यहाँ से परचेज कर लिए, अब जाएंगे घर और लगाएंगे। तो भाई चांदरात के कुछ ये हालात हैं, इतना रश है क्योंकि अचानक से ईद हुई है। यहाँ पर 8-9 बजे पता चला है कि भाई कल ईद है और आज चांदरात है। तो आप लोग रश चेक कर सकते हो, यहाँ रश देखो, चलते हुए दिखा दो ना, चलते हुए दिखाओ। ये देखो अम्मा यहाँ पर सब रेडी हैं जाने के लिए और यहाँ आप लोग रश चेक कर सकते हो। तो अब अभी जा रहे हैं खाना खाने के लिए और आगे मिलते हैं। हम आए हैं कराची फेमस बिरयानी खाने अल्लाह राजी गली बिरयानी, आप लोग देख सकते हो पीछे। और अभी हम लेने वाले हैं और टेस्ट करने वाले हैं। मैं वैसे खाती रहती हूँ लेकिन आज मैं आप लोगों को ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ कि अल्लाह राजी का टेस्ट क्या है, क्या है इसमें ऐसी बात जो सब लोग तरसते हैं इस बिरयानी को खाने के लिए। चलिए फिर लेते हैं इनसे बिरयानी। वही यहाँ पर बैठ के खाने का मूड था मेरा, लेकिन यहाँ आवाज़ के रश को देखते हुए मुझे मेरा दिल यही कहता है कि भाई तुम जाओ घर पर भी सबसे बैठ के खाओ और आप लोगों को मैं रिव्यू दूँगी, ठीक है? लेकिन घर पर बैठ के खाइए, आवाम का बहुत ज़्यादा रश है, यहाँ बैठ के खाने वाला नहीं है। और आप लोग शोर से अंदाज़ा लगा सकते हो और रश से अंदाज़ा लगा सकते हो कितना ज़बरदस्त टेस्ट होगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग इनसे टोकन लेते हैं और बिरयानी परचेज करते हैं। सो गाइज, मैंने अपना टोकन दे दिया, पैसे दे दिए मैंने, ठीक है, बिरयानी के लिए। तो अभी मेरा टोकन आने वाला है, बिरयानी लेंगे, घर आएंगे, खाएंगे, पियेंगे, ऐश करेंगे। तो अभी जो है ना हम जो बिरयानी लेते हुए जा रहे थे, तो मंतशा को हुआ कि भाई मैं झूला झूलूँगी, तो हमने यहाँ झूले वाले को रोक लिया है, ठीक है। और अब हम मंतशा को झुलाने वाले हैं, स्माइल चेक करो आप, हम मंतशा को झूला झुलाने वाले हैं अब। और फिर मैं आपको ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ मस्तियाँ। चलो जी, ये हेलो करो, हेलो करो। अब मंतशा झूलेंगे झूला, जल्दी 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 जल्दी। तो यहाँ हमारी बिरयानी ठंडी हो रही है और मंतशा को अपने मज़े लगे हुए। सही है भाई, बच्चों के भी अलग ही मज़े होते हैं, घूमो फिरो ऐश करो, हमारी चांदरात तो खाने पीने सोने में ही गुजर जाएगी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को ये भी दिखाया जाए। भाई यहाँ हमारी बिरयानी ठंडी हो रही है लेकिन इनका झूला अब ख़त्म हुआ जाके। मज़ा आया मंतशा? मज़ा आया। तो यहाँ हमारी बिरयानी ठंडी हो रही है लेकिन इसके मज़े ख़त्म नहीं हो रहे। तो भाई अब जा रहे हैं घर क्योंकि हमने बिरयानी खानी है, आपको रिव्यूज़ भी देने हैं। तो चलिए घर चलते हैं और आपको बिरयानी के रिव्यूज़ देते हैं।
सो गाइस फाइनली हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं। मैंने अल्लाह राजी की फेमस बिरयानी नहीं सॉरी ये तो पुलाव है, तो हम लोगों ने पुलाव परचेज किया है और मैं यहाँ पर सर्व कर चुकी हूँ अपने आपको। और अब मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताने वाली हूँ कि अल्लाह राजी के पुलाव का क्या टेस्ट है और मैं आप लोगों को रिव्यूज देने वाली हूँ कि भाई क्यों अल्लाह राजी पे इतना रश होता है, क्या उनके टेस्ट में ऐसी बात है कि माशाल्लाह ताला ने इतनी बरकत डाली है उनके खाने में। तो अब मैं टेस्ट करने वाली हूँ और मम्मा पापा से भी रिव्यूज देने वाली हूँ कि क्या है इनके टेस्ट में ऐसा कि क्या बात है कि जो लोग खाने के लिए इतनी दूर दूर से आते हैं। तो हम खाने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्लाह। टेस्ट आला है, बहुत ही ज़बरदस्त है, इसलिए तो मैं कहूँ कि भाई लोग इतनी दूर दूर से आने के लिए क्यों तरसते हैं इस बिरयानी को खाने के लिए। ये मेरे ख्याल से वो जो शीरा क्या कहते हैं उसको, वो जो पुलाव का शीरा जो बचता है उसको क्या कहते हैं, शीरे कहते हैं, यखनी। हाँ ये यखनी पुलाव है और इतना ज़बरदस्त टेस्ट है, ओ माई गॉड वाओ। सो गाइस आप लोग भी अल्लाह राजी की बिरयानी ज़रूर 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 ट्राई करें। तो भाई हम लोगों ने चांद रात को यादगार बनाने के लिए अल्लाह राजी की बिरयानी खाई है, तो आप लोग भी आएँ और विजिट करें अल्लाह राजी बिरयानी। और अब मैं खाती हूँ अपनी बिरयानी, ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं आप लोगों को आगे। सो गाइस इसका नज़ारा कुछ ये है और सीन कुछ यूँ है कि भाई यहाँ पापा मम्मा की अलग है और यहाँ मेरी अलग है यखनी पुलाव। तो टेस्ट कैसा है इसका पापा? बेहतरीन, आला टेस्ट है। ठीक है मम्मा आप बताओ इसका टेस्ट कैसा है, यम्मी टेस्टी, लोगों को ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दिल्ली नहीं जा रहा बात करने का, अभी दिल जा रहा बस खा लो भाई। टेस्ट तो मैंने भी आप लोगों को रिव्यू बता दिया, टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही आला है। ठीक है आप लोग भी मस्ट ट्राई करो। और अभी मैं जलेली से खा लूँ क्योंकि मुझे ऐसे बिरयानी और पुलाव तो आप लोगों को पता देखते ही भूख लग जाती है इंसान को। तो अभी हम लोग इसे जलेली फिनिश करते हैं और आगे अपना जो है ना चांद रात को और भी यादगार बनाना है, तो अभी हम स्किन केयर और बहुत सारी चीज़ें करने वाले। तो गाइस स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, बाय। सो गाइस इस ब्लॉग को जो है ना हम करते हैं यहीं पर एंड। आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में मिलने वाला है मेरा स्किन केयर और मेहंदी ब्लॉग, मतलब हाफ चांद रात ब्लॉग आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है। तो गाइस इस वीडियो को यहीं करती हूँ मैं एंड। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आगे आप लोगों को इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलने वाली क्योंकि आगे है ईद और आप लोगों को ईद पर बहुत मज़े के ब्लॉग्स मिलने वाले। तो गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करते जाना ताकि आप लोगों को डेली अपडेट्स मिलती रहें। तो गाइस मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो मज़ेदार वीडियोस के साथ, तब तक के लिए